गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट टॉपिक हमने पढ़े थे रफेज, है ना। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे, कितने टाइप्स होते हैं और एक एक टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए थे। और उसके बाद में वाटर, रफेज ये पढ़े थे हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट इन सम कॉमन फूड आइटम्स। ईच फूड आइटम दैट यू ईट दैट सेवरल न्यूट्रिएंट, यानी हम जितने भी फूड आइटम खाते हैं, लेते हैं अपने आहार में, सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। जो हमने पढ़े कि कौन से फूड में, फूड स्टफ में कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, सम इन ग्रेटर क्वांटिटी एंड अदर इन लेसर क्वांटिटी, यानी कुछ में ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ फूड में कम मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं। सर द फॉलोइंग विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट इन सम फूड्स दैट यू ईट एवरी डे, यानी आप जितने भी, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको ऐसे फूड आइटम खाना चाहिए जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो। देन सबसे पहला है सीरियल्स। सीरियल्स में, अनाज में दो चीज आते हैं, व्हीट और राइस। हैव मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, यानी 70% व्हीट और राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। देन लेस प्रोटीन अबाउट द 10%, यानी लेस प्रोटीन 10% उसमें होता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, 70% का कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% प्रोटीन होता है और अदर जो 20% बचा है वो विटामिन और मिनरल्स उसमें होता है। देन सीरियल्स आर देयरफॉर ईटन विद एवरी मील्स टू गिव एनर्जी। यू मस्ट गेट मोस्ट ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। हम सभी को पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्विक एनर्जी देता है हमको, तो यानी ज्यादा मात्रा में हमको हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो हम अपने फूड आइटम में हमको राइस और व्हीट को लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है सुगर। सुगर इज 100% कार्बोहाइड्रेट बट ईटिंग टू मच सुगर इज नॉट गुड, यानी जो सुगर होता है उसमें, यानी जो भी मीठी चीज है या शुगर है उसमें 100% कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसको एक मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। देन इन पल्सेस मींस दैट देन इन सीरियल्स बट मोर प्रोटीन, सॉरी पल्सेस दीज आर लेस कार्बोहाइड्रेट 60% देन इन सीरियल्स बट मोर प्रोटीन 20%, यानी जो सीरियल्स है उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन 20% उसमें प्रोटीन होता है। देन दे आल्सो हैव विटामिन एंड मिनरल्स, यानी उसमें विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पेशली फॉर पीपल हु फॉलोज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, यानी जब, यानी हमारे फूड डाइट में हमको दाल भी लेना बहुत जरूरी है। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो दाल हमको कंपलसरी लेना ही चाहिए, जिसमें हमारे जो प्रोटीन है उस न्यूट्रिएंट का बैलेंस हमारे बॉडी में बना रहे। देन नेक्स्ट है फिश, मीट, एग आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये हमने पढ़े थे कि प्रोटीन वाले भाग में पढ़े थे कि जो फिश है, एग है, मीट है, इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। दे आल्सो प्रोवाइड यू विद फैट, और हमारे बॉडी को फैट भी प्रोवाइड करता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन द मिनरल कैल्शियम, यानी जो मिल्क है और मिल्क से बने हुए जितने भी फूड स्टफ्स है उन सभी में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में मिनरल्स होता है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, विच इज गुड फॉर द बोन एंड टीथ, और जो बोन और टीथ के को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दे आल्सो प्रोवाइड यू विद द विटामिन, उसमें विटामिन भी होता है। देन कैरोट आर रिच इन विटामिन ए विच इज वेरी गुड
फॉर द आईज, यानी किसी की अगर आईज कमजोर है तो उन्होंने ज्यादा मात्रा में गाजर का उपयोग करना चाहिए अपने खाने में. देन नेक्स्ट है स्पिनच एंड कैबेज आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, यानी जो पालक और जो गोभी होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन होता है और हमारे फूड स्टफ में उसको लेना चाहिए. और दे आल्सो प्रोवाइड यू विद रफेज, यानी उसमें रफेज भी पाया जाता है. देन कैरीफील्ड बटर मींस घी, बटर एंड ऑयल आर 100% फैट, यानी बटर और ऑयल में 100% फैट होता है. दे मस्ट बी इंक्लूड इन योर डाइट बट इन लिमिट अमाउंट, यानी हमको घी भी खाना चाहिए और तेल भी खाना चाहिए बट एक लिमिट अमाउंट में हमारे बॉडी में वो इंजेक्ट होना चाहिए, खाना चाहिए हमने. लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर हम ये चीज खाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है. देन फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड नॉन एज द एनर्जी गिविंग फूड. आप इसको जो हाईलाइट किया हुआ है एनर्जी गिविंग फूड उसको हाईलाइट कर सकते हो, और कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एक नाम दिया गया है एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट है फूड रिच इन प्रोटीन हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, और जो प्रोटीन है जो सेल डिवीजन करता है हमारे बॉडी में, सेल को बढ़ाने का काम करता है, रिपेयर, कहीं सेल अगर कट जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, इसीलिए उसको एक नाम दिया गया है बॉडी बिल्डिंग फूड. देन नेक्स्ट है फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नॉन एज द प्रोटेक्टिव फूड्स. अब विटामिन और मिनरल्स जो फॉरेजिंग जो भी पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगल डिसीज, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो विटामिन है वो हेल्प करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, तो उसको एक नाम दिया गया है प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन से हमारी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है. दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, यानी डिसीज से भी हमको वो बचाता है. देन नेक्स्ट है अ बैलेंस डाइट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड डाइट. अब बैलेंस मींस आपको पता है सही मात्रा में, डाइट मींस आप जो भी अपने फूड में जो भी लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उसमें जो भी आप लेते हो, कंटिन्यूअसली लेते हो, चेंज करके लेते हो हर दिन, उसी को डाइट बोला जाता है. आप अपने डाइट प्लान में क्या क्या इन्वॉल्व करते हो, तो टू रिमेन हेल्दी यू नीड ऑल द न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट. हम सभी को हमारे बॉडी में राइट अमाउंट न्यूट्रिएंट होना बहुत जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा सही होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स की मात्रा सही होना चाहिए, फैट की मात्रा सही होना चाहिए, यानी बैलेंस में होना चाहिए. देन नो सिंगल फूड आइटम कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी कोई भी सिंगल फूड आइटम हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं दे सकता. आप सोचोगे कि सिर्फ चावल खा लेने से हमको पूरे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़े कि जो राइस है उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 10% प्रोटीन होता है, अदर थोड़े होते हैं ना, तो वो बैलेंस हुआ क्या, नहीं हुआ. लेकिन इन्हें हमको राइस में कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल रोटी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सीरियल्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदर जो भी कर्ड है, मिल्क है, ये हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारा बैलेंस होगा डाइट. देयरफॉर यू नोट द नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम. अ बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिच ईच न्यूट्रिएंट, यानी सभी न्यूट्रिएंट एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है. हाउएवर अ बैलेंस्ड डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, और सभी के लिए एक ही बैलेंस्ड डाइट नहीं होता, सभी के लिए अलग अलग बैलेंस्ड डाइट होता है. ईट
होता है कि आप किस उम्र के हो, आपकी उम्र कितनी है, आप मेल हो फीमेल हो, या आप क्या वर्क करते हो, है ना। हार्ड वर्क करते हो तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अदर वर्क करते हो, यानी बैठकर ऑफिस वर्क करते हो, उस समय आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। सभी यानी आपके वर्क पे डिपेंड करता है, आपके एज पे डिपेंड करता है, आपके मेल और फीमेल होने पे भी डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए। देन फर्स्ट है इन ईयरली चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रो रैपिडली ही और शी नीड मोर प्रोटीन। यानी जो बच्चा होता है छोटा, आप जैसे बच्चे जो क्या हो रहा है अभी ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है ना, आपकी हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत है। तो ऐसे ही फूड आइटम ले जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। देन नेक्स्ट है नरिशिंग मदर एंड पेरेंट वुमेन आल्सो नीड मोर प्रोटीन टू सर्व द नीड ऑफ द ग्रोइंग बेबी। यानी जो मदर है, नर्सिंग मदर है, जो मदर अपने बेबी को फीडिंग कराते हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, और जिसके बच्चे छोटे हैं। अ हार्ड वर्किंग लेबर नीड मोर एनर्जी विच कैन गेट बाय ईटिंग मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी जो लेबर है, जो काम करते हैं ऐसे लोगों को, जो हार्डवर्क करते हैं ऐसे लोगों को ज्यादा मात्रा में फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, क्योंकि उनको एनर्जी, क्विक एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। तो वो ऐसे फूड को अपने डाइट में लेना चाहिए, डाइट प्लान में। टेबल नंबर 2.3 गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। यानी एक 12 साल के बच्चे को कितना बैलेंस डाइट लेना चाहिए वो दिया हुआ है। सीरियल्स कितना होना चाहिए, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मील, फैट, शुगर और गैगरी, मीट, फिश और एग। मीन्स आपके आपकी क्लास के जितने भी बच्चे, सभी को इतने मात्रा में न्यूट्रिएंट की जरूरत है। यानी दाल सीरियल्स कितना खाना चाहिए, 320 ग्राम खाना चाहिए, पल्सेस 70 ग्राम खाना चाहिए, जो हमको क्या यानी क्या करेगा आपकी बैलेंस डाइट। ये आपका बैलेंस डाइट प्लान है, आप ये अपने लंच में और डिनर में अपनाएं, ठीक है। इसके इसको देखते हुए आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपका जो जितने भी जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सही मात्रा में आपके बॉडी को मिलेंगे। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। फूड सच एज वेजिटेबल, सीरियल एंड मीट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। यानी कभी भी जितने भी वेजिटेबल्स है इन्हें पकाकर ही खाना चाहिए, उबाल कर ही खाना चाहिए। कुकिंग मेक द फूड स्टफ टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। यानी जो पका हुआ जो भी वेजिटेबल है या राइस है, वीट है, ये खाने से क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और टेस्टी भी होता है। बट रॉन्ग कुकिंग मेथड डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट इन ईट। यानी लेकिन अगर रॉन्ग कुकिंग जो मेथड है उससे अगर हम उसको अपनाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेटो, अगर हम बॉइल पोटेटो खाते हैं तो हमको सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें जो प्रोटीन है वो भी मिलेगा। बट उसी पोटेटो को अगर हम फ्राई करके खाते हैं तो हमको सही मात्रा में नहीं मिलेगा। मीन्स ये बैड मेथड है कुकिंग की। देन वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। यानी किसी भी सब्जी को काटने और छिलने के पहले ही धो ले, बाद में नहीं धोना चाहिए। दिस रिजल्ट इज लॉस ऑफ सम विटामिन एंड मिनरल्स। यानी अगर हम काटने या छिलने के बाद में उस वेजिटेबल को धोते हैं तो उसमें विटामिन्स और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, वहां से पानी में चले जाते हैं धुल के
बाहर थ्रो आउट हो जाते. देन वॉशिंग राइस एंड पल्सेस रैपिडली आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. लेकिन हमको धोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम मार्केट से खरीद के लाते हैं. तो वेजिटेबल में हो सकता है कि हम उसको पहले धो ले, लेकिन राइस और पल्सेस में नहीं हो सकता. देन लेकिन उसमें क्या होता है, जो विटामिन्स है वो क्या हो जाते हैं, कुछ मात्रा में विटामिन्स चले जाते हैं धूल के. फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर, यानी एक सही मात्रा में वाटर में ही कुकिंग करना चाहिए. कुक इन टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे मेक फूड लॉस इट्स न्यूट्रिएंट. यानी सही मात्रा में पानी डालकर अगर हम उस फूड को पकाए तो वो वहां से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज्यादा पानी डाले हैं और उसको पका रहे हैं तो वो क्या होगा, वहां से उसके जो मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, वो वहां से निकल जाते हैं, यानी लॉस हो जाता है उस वाटर में, मिक्स हो जाता है. विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हीट. यानी विटामिन सी क्या हो जाता है, सनलाइट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. वी शुड देयरफॉर ईट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल टू गेट विटामिन सी. यानी विटामिन सी जो है वो हमको कच्चे, जो भी कच्चे हैं उसको रॉ मटेरियल में खाएंगे तो हमको विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलेगी. लेकिन अगर हम किसी फ्रूट को उबालते हैं तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाता है, निकल जाता है, यानी हीट के वजह से वहां से वो निकल जाता है. देन उसके बाद में है डिफिशियंसी डिसीज, जो हम कल पढ़ेंगे. और आज का आपका होमवर्क है टेबल नंबर 2.3.